हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल नालंदा। मेरा नाम विजय है और हम पढ़ रहे थे चैप्टर मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन के हमने अभी तक 3 लेक्चर्स किए हुए हैं। ठीक है, उसमें कुछ कंसेप्ट पढ़े और कुछ उसको प्रॉब्लम हमने उसको सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो पार्ट्स देखे नहीं है, वो लेक्चर्स देखे नहीं है, तो आप यूट्यूब चैनल और अपनी डिजिटल नालंदा की वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से आज का क्लास मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है ना, आज हम और कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है ना, तो इसमें इस चैप्टर में जो भी टाइप के सवाल पूछे जाते हैं तो उन सारे टाइप्स को कवर करने की कोशिश मैं यहाँ पर करूँगा। तो पिछले क्लास में हमने ये वाला किया था, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, याद है क्या आप सभी लोगों को? क्या आपको याद है? ओके, सो ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या? सबसे पहली बात, ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या? मेरी वीडियो आपको अच्छी दिख रही है? सभी बच्चे बताइए, क्योंकि यहाँ पर एकेडमी में थोड़ा सा इंटरनेट का इशू था। चलिए, तो चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर। ठीक है, मैं इसको रीड आउट कर रहा हूँ, आप सभी बच्चे ध्यान दीजिए इसको। टू वेसल्स कंटेन वाटर एंड अल्कोहल इन द रेशियो ऑफ 1:2 एंड 2:3। तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या गिवन है, टू वेसल्स है, दो बर्तन है, जिसमें पहला बर्तन जो है और ये दूसरा टू इज टू थ्री के रेशियो में है वो। ठीक है, द सोल्यूशन आर मिक्स्ड बाय टेकिंग 6 लीटर्स फ्रॉम फर्स्ट वेसल। ठीक है, तो पहले वेसल, पहला जो बर्तन है, उसमें से कितना लेना है, 6 लीटर लिया लिक्विड, एंड 30 लीटर्स फ्रॉम द सेकंड वेसल। देखो, तो पहले बर्तन से 6 लीटर लिया है और दूसरे बर्तन से 30 लीटर सोल्यूशन उसने ड्रॉ किया है। फाइंड द रेशियो ऑफ द अल्कोहल टू वाटर इन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। इसका मतलब जो 6 लीटर यहाँ से लिया, इस बर्तन से कितना लीटर्स पानी लिक्विड लिया होगा, मिक्सचर लिया होगा 6 लीटर्स। ठीक है, और इस बर्तन से 30 लीटर्स लिया, और ये जो 30 और 6 है, ठीक है ना, जो टोटल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड है वो उसने एक तीसरे बर्तन में डाल दिया होगा और पूछ रहा है कि वो जो तीसरा बर्तन है, इसमें वाटर और अल्कोहल का क्या रेशियो रहेगा। अभी देखो बच्चों, हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितना ड्रॉ है वो दिया हुआ है और रेशियो क्या है उन मिक्सचर का उस पर्टिकुलर वेसल में वो दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो भी मिक्सचर हम ड्रॉ करते हैं वो उसी रेशियो में ड्रॉ करते हैं जिस रेशियो में उस बीकर में, उस वेसल में जो क्वांटिटीज अवेलेबल है उसी रेशियो में हम जो ड्रॉ करते हैं वो भी आता है। ठीक है ना, तो पहले बीकर में क्या है, सबसे पहला बीकर जो है, इसको मैं पहला नाम दे देता हूँ, फर्स्ट बीकर, उसमें से 6 लीटर लिया है। ठीक है ना, तो 6 लीटर अगर मिक्सचर लिया है तो वाटर और अल्कोहल की मात्रा कितनी कितनी होगी उस 6 लीटर में, ये मैं निकाल पाऊंगा। देखो, तो ये है 6 लीटर। ठीक है, उसमें से एक तो होगा वाटर और होगा दूसरा अल्कोहल। पहला जो बीकर है उसमें वाटर का क्या रेशियो होगा, देखो प्रपोर्शन क्या होगा, 1 पार्ट आउट ऑफ हाउ मच पार्ट, 3। ठीक है ना, तो वाटर का प्रपोर्शन होगा 1/3। सही बात है कि नहीं? टोटल ये 3 पार्ट्स हो गए। ठीक है ना, जिसमें वाटर का 1 पार्ट अगर होता है तो अल्कोहल के 2 पार्ट्स होते हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल सोल्यूशन ड्रॉ से। ठीक है ना, कितना ड्रॉ किया टोटल सॉल्यूशन, इसको थोड़ा सा अच्छा लिखता हूं मैं। ठीक है, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, ये रेशियो बन जाएगा 1/3। ठीक है ना, तो अल्कोहल का क्या प्रोपोर्शन होगा, 2/3, 2/3।
मल्टीप्लाई करेंगे सिक्स से, दोनों को ही मल्टीप्लाई सिक्स से करना पड़ेगा क्योंकि सिक्स लीटर लिक्विड निकाला है। तो कितना आएगा ये? ये आएगा थ्री टू जा सिक्स, मतलब टू लीटर, ठीक है। ये कितना आएगा? थ्री टू जा सिक्स और टू मल्टीप्लाई बाय टू इज फोर। तो देखो टू और फोर आ गए, टोटल सिक्स लीटर, ठीक है ना। दूसरा जो बीकर था उसमें से कितना मिक्सचर निकाला है? थर्टी लीटर ऑफ मिक्सचर निकाला है। तो थर्टी लीटर को भी हम वाटर और अल्कोहल के इसमें डिवाइड कर देंगे। वाटर का क्या प्रपोर्शन है और अल्कोहल का क्या प्रपोर्शन है? ये जो सेकंड बीकर है उसमें टू इज टू थ्री के रेशो में अवेलेबल है क्वांटिटीज। तो पहला क्या हो जाएगा, वाटर का प्रपोर्शन टू अपॉन कितना, टू प्लस थ्री फाइव, तो टू बाय फाइव रहेगा इसका प्रपोर्शन। और दूसरा जो है यहाँ पर अल्कोहल थ्री अपॉन फाइव रहेगा। मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, टोटल सॉल्यूशन ड्रॉ किया है थर्टी लीटर्स, तो थर्टी लीटर्स को दोनों से ही मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना। देखो क्या है, फाइव अल्कोहल टू वाटर इन द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। अब रिजल्टेंट सॉल्यूशन में मतलब देखो यहां पर 6 लीटर है, तो 6 लीटर और यहां पर 30 लीटर है, तो टोटल कितना लीटर है सॉल्यूशन, ये 36 लीटर सॉल्यूशन है। तो 36 लीटर अगर सॉल्यूशन है तो हम क्या करेंगे, पर्टिकुलरली वाटर और अल्कोहल को एड अप करेंगे। देखो वाटर अगर हम एड करेंगे तो वाटर है पहले इसमें 2 लीटर और यहां पर 12 लीटर, तो क्या हो जाएगा, अगर मुझे रेशियो निकालनी है वाटर अपॉन अल्कोहल की, तो मैं क्या करूंगा, वाटर का एडिशन कर लूंगा, 2 प्लस 12 इज 14 लीटर्स ऑफ वाटर इन द थर्ड बीकर, ठीक है। और यहाँ पर अल्कोहल क्या है, 4 प्लस 18, दैट इज 18 प्लस 4 इज 22, तो 22 लीटर्स रहेगा अल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर, ठीक है। इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ कि हाँ, दो से दोनों को ही डिवाइड होता है, तो 2 7 जा 40 एंड 2 11 जा 22। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, वाटर इज टू अल्कोहल का रेशियो नए इसमें रहेगा 7 इज टू 11 का, ठीक है। दैट इज ऑप्शन क्या होगा, सी विल बी अवर करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या, कोई दिक्कत? ओके, सम्यक ने आंसर भेजा है, बाकी सभी लोगों को समझ में आया क्या? क्या किया हमने, दो वेसल दिए थे, उसमें जो वाटर और अल्कोहल था उसका रेशियो को दिया होता, ठीक है ना, मिक्सचर का। और पर्टिकुलर मिक्स वेसल से 6 लीटर और 30 लीटर सॉल्यूशन ड्रॉ किया हमने। अब जब अगर हमको पता है कि उसका रेशियो क्या होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलरली सिंगल सिंगल जो लिक्विड है उसका प्रपोर्शन निकाल सकते हैं, कितना कितना पोर्शन होगा उसमें, ठीक है ना। और फिर हमने क्या कर दिया, वाटर और अल्कोहल को डिवाइड कर लिया दोनों ही सॉल्यूशन को, और फिर एड अप कर लिया वाटर को और अल्कोहल को, ठीक है ना। तो नए मिक्सचर में वाटर और अल्कोहल की मात्रा किस रेशो में रहेगी हमको पता लग गया, ठीक है। क्लियर है क्या सभी बच्चों को, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल है हमारी स्क्रीन पर, मैं क्वेश्चन को रीड आउट कर रहा हूं। फ्रॉम द टैंक कंटेनिंग ओनली डीजल, ठीक है ना। तो एक टैंक है, यहाँ पर मैं एक टैंक ड्रॉ कर लेता हूँ, डीजल की टैंक होती है ना, ऐसे ट्रक के बाजू में लगी रहती है, ठीक है ना, ऐसे बाजू में लगी रहती है, और यहाँ पर ऐसा उसका नॉब होता है, उसमें डीजल डालते हैं इससे, ठीक है ना। तो ये डीजल की टैंक है, इसमें पूरा डीजल भरा हुआ है, पता नहीं कितना डीजल है, तो ठीक है। 6 लीटर्स आर ड्रॉन एंड रिप्लेस्ड विथ केरोसिन। अभी देखो 6 लीटर आर ड्रॉन, मतलब इसमें जो भी डीजल है, ठीक है, उसमें से 6 लीटर ड्रॉ किया, विदड्रॉ किया, निकाला एंड रिप्लेस्ड विथ केरोसिन। देखो 6 लीटर अगर निकाला तो उसमें 6 लीटर केरोसिन वापस भर दिया, ठीक हो, ठीक है। अगेन 6 लीटर्स ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विथ केरोसिन, ठीक हो। देखो ये जो बात है, ये जो प्रोसेस है वो बार बार कर रहा है, ठीक है। कौन सी प्रोसेस बार बार कर रहा है,
सिक्स लीटर मिक्सचर वो बाहर निकाल रहा है टैंक में से और बाद में सिक्स लीटर उसकी जगह पे केरोसिन भर रहा है। ऐसे क्वेश्चन करने का एक तरीका है। चलिए क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। द रेशियो ऑफ डीजल टू केरोसिन इज नाउ 9:16। तो ऐसा उसने कितनी बार किया, दो बार किया कि डीजल टैंक में से डीजल निकाला और केरोसिन भर दिया, फिर डीजल निकाला, ठीक है ना, सिक्स लीटर सोल्यूशन निकाला और फिर केरोसिन भर दिया। तो ऐसा उसने दो बार किया। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ डीजल वॉज देयर इनिशियली। तो उसने पूछा है कि इनिशियली मतलब शुरुआत में वो प्रोसेस करने से पहले उस टैंक में टोटल कितना लीटर्स डीजल रहा होगा, ठीक है। चलिए तभी देखो ऐसे क्वेश्चंस करने का एक फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला है, देखो ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिए इसको करने का। पी माइनस क्यू अपॉन क्यू सॉरी अपॉन पी टू द पावर एन, ठीक है। तो ऐसा करने पे हमको मिलता है के कितना, देखो इसका मैं मिनी आपको बताता हूं। पी मतलब इनिशियल क्वांटिटी इन द मिक्सचर, ठीक है। पी का मतलब होता है इनिशियल क्वांटिटी, ठीक है। क्यू का मतलब होता है जो हम बार बार मिक्सचर हर प्रोसेस में विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे कि यहां पर है 6 लीटर। और पी का मतलब तो मुझे पता है कि इनिशियल क्वांटिटी क्या होगी मिक्सचर की, ठीक है। तो यहां पर मैं एक्स लिख देता हूं क्योंकि मुझे पता नहीं है और वही निकालना है। पी का मतलब तो आपको पता ही है। के का मतलब होता है जो हमारी क्वांटिटी होगी एक्स, या फिर पी भी बोल सकते हो उसको, उसका कितना प्रपोर्शन बचा होगा इन द टोटल मिक्सचर, ठीक है। तो ये टोटल मिक्सचर में ये जो हमारा रेशियो निकल के आता है उसका कितना टोटल रेशियो बचा होगा, टोटल प्रपोर्शन बचा होगा इन द टोटल मिक्सचर, ठीक है। तो यहां पर हमको कौन कौन सी चीजें पता है, हमको पी तो निकालना है, दैट इज हमने इसको एक्स मान लिया है। सिक्स लीटर जो बार बार वो क्वांटिटी विड्रॉ कर रहा है वो हमको पता है, ठीक है। एन का मतलब होता है ये प्रोसेस जो विड्रॉ करने की है वो कितनी बार की। यहां पर देखो 6 लीटर आर ड्रॉन एंड रिप्लेस विद केरोसिन, अगेन 6 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन एंड रिप्लेस विद केरोसिन। इसका मतलब दो बार ये जो मेथड है, ये जो प्रोसेस है उसको रिपीट किया गया है, ठीक है। के का क्या है, जो रिमेनिंग बैलेंस इन द टोटल मिक्सचर है, ठीक है ना। तो ये जो भी सॉल्यूशन होगा हमारा पहले, उसका कितना बैलेंस बचा। अभी देखो हमारे पास ऐसी प्रोसेस करने के बाद क्या बचा, रेशियो क्या बचा, केरोसिन, देखो डीजल इज टू केरोसिन का रेशियो क्या बचा, 9:16, ठीक है। तो दो जो लिक्विड है डीजल और केरोसिन उनका मुझे रेशियो पता है, रेशियो पता है, लेकिन उनका मुझे क्या करना है, टोटल इज टू जो पहला मिक्सचर था, पहला मिक्सचर क्या था, पी हमारे इसमें डीजल ही भरा हुआ था, ठीक है ना। तो उसके रिगार्डिंग हमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो जो ये के है वो रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इन टोटल एस्पेक्ट, ऐसा पूछा है। तो यहाँ पर डीजल और केरोसिन तो मुझे पता है 9:16 की इसमें है, लेकिन डीजल का क्या प्रपोर्शन होगा, डीजल का प्रपोर्शन होगा 9 अपॉन टोटल क्या प्रोपोर्शन होगा, 9:16, ठीक है। तो टोटल क्वांटिटी क्या होगी इसका, 16+9 ये टोटल हो जाएगा और डीजल का प्रोपोर्शन निकालेंगे तो 9 होगा, ठीक है। तो देखो सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल है सिर्फ पी को छोड़कर। पी को मैंने एक्स माना है, यहाँ पर आप पी भी मान सकते हैं, चलिए इसको एक्स ना मानते हुए पी ही मानेंगे, ठीक है। चलिए तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, उसको वैल्यू पुटअप कर देंगे। देखो P माइनस 6 अपॉन पी टू द पावर 2 क्यों, क्योंकि दो बार उसने रिपीट की है जो भी प्रोसेस है, ठीक है ना। तो 9 अपॉन 9+16 कितना होता है, 25। अभी ये आ गया हमारे पास इक्वेशन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर तो स्क्वायर का साइन है, लेकिन आप गौर करेंगे तो यहाँ पर भी जो वैल्यूज है वो स्क्वायर में अवेलेबल है। तो अगर मैं दोनों ही तरफ का अंडर रूट लेता हूँ, ठीक है, दोनों ही तरफ अगर मैं अंडर रूट लेता हूँ, क्योंकि 9 भी 3 का स्क्वायर है और 25 5 का स्क्वायर है, तो दोनों ही जगह पे मैं अंडर रूट स्क्वायर रूट कर सकता हूँ। देखो ये अंडर रूट का साइन और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर का जो पावर है वो कट हो जाता है, ठीक है ना, साथ में, और इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बचा, अभी पी माइनस 6 अपॉन पी इज इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर रूट आता है 3 और 25 का आता है 5।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आता है, थ्री मल्टीप्लाई बाय पी इज थ्री पी इज इक्वल्स टू फाइव मल्टीप्लाई बाय पी इज फाइव पी, माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, सिक्स इंटू फाइव इज माइनस थर्टी। देखो क्या आ गया, ये p जो है इस साइड में लेके आ जाएंगे, 30 माइनस का इस साइड में आके वो हो जाएगा प्लस 30, ठीक है। तो 30 इज इक्वल्स टू 5p माइनस 3p हो जाएगा, तो 5p माइनस 3p 2p बन जाएगा, तो 2p इज इक्वल्स टू 30, ठीक है। p इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 2, दैट इज p का वैल्यू आ जाएगा 15। मतलब इसका क्या हो गया, p की वैल्यू आ गई 15, मतलब P क्या कहलाएगा, इनिशियल क्वांटिटी इन द टैंक। तो इनिशियल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 15 लीटर्स रहा होगा डीजल इन द टैंक इनिशियली, इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन नजर आ रहा होगा क्योंकि मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। P का मतलब होता है इनिशियल क्वांटिटी इन द टैंक, ठीक है। Q का मतलब होता है जो बार बार हम विड्रॉ करते हैं वो क्वांटिटी, ठीक है। N का मतलब होता है कितनी बार रिपीटेशन किया है प्रोसेस का विड्रॉ करने का, और K का मतलब होता है प्रपोर्शन ऑफ द ओरिजिनल लिक्विड इन द टोटल, ठीक है। तो टोटल में कितना प्रपोर्शन रहेगा ओरिजिनल इसमें, ठीक है, समझ में आ गया। अगर कोई डाउट है तो पूछो, अगर कोई डाउट है तो पूछो। कुछ भी डाउट नहीं है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। शायद इस सवाल से आपको और आइडिया हो जाएगा कि पिछला सवाल हमने कैसे किया था, सेम सवाल है, ठीक है। चलिए, फ्रॉम द वेसल कंटेनिंग 300 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क। अभी देखो एक वेसल है, एक बर्तन है जिसमें क्या है, 300 लीटर है प्योर मिल्क, प्योर मतलब प्योर मिल्क, ठीक है, उसमें वाटर मिक्स नहीं है। तो इसमें क्या है, 300 लीटर है ऑफ प्योर मिल्क, 60 लीटर्स इज टेकन आउट एंड वाज डाइल्यूटेड विथ 60 लीटर्स ऑफ वाटर। तो इसमें से क्या कर रहा है वो, 60 लीटर निकाल रहा है जो कि होगा एब्सोल्युटली प्योर मिल्क होगा, ठीक है। और इसमें क्या कर रहा है, 60 लीटर से डाइल्यूट करना मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन कम करना, डाइल्यूट करने का मतलब होता है उसको, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो कम करना, प्योरिटी से डाइल्यूटेड, ठीक है ना। तो किससे डाइल्यूट कर रहा है, 60 लीटर्स ऑफ वाटर से। तो 60 लीटर्स ऑफ वाटर उसमें मिक्स करेगा 60 लीटर विड्रॉ करने के बाद, ठीक है। अगेन 60 लीटर्स ऑफ डाइल्यूटेड मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर। अभी देखो ये प्रोसेस करने के बाद फिर से 60 लीटर वापस लिया, निकाला, ठीक है ना। अभी देखो दूसरे प्रोसेस के टाइम में ये जो मिक्सचर था वो प्योर मिल्क वाला नहीं था, वो था डाइल्यूटेड वाला, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास एक फॉर्मूला है और उससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगेन 60 लीटर ऑफ डाइल्यूटेड मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर। इसका मतलब ये जो 60 लीटर निकालने की और वाटर मिक्स करने की जो ये प्रोसेस है वो कितनी बार किया, वो दो बार किया, ठीक है। देखो पूछा है यहाँ पर हाउ मच इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क आफ्टर दीज टू ऑपरेशन। अभी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब उसमें वो जो मिक्सचर है उसमें कितना परसेंटेज ऑफ प्योर मिल्क बचा हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब मात्रा होती है, ठीक है ना। कितने मात्रा में, कितने प्रमाण में, कितने परसेंटेज में वो लिक्विड अवेलेबल है। तो हाउ मच इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क आफ्टर दीज टू ऑपरेशन, ऐसा दो बार करने के बाद मिल्क की कितनी मात्रा बची है उस मिक्सचर में। तो देखो पहले मिल्क की कितनी मात्रा थी वेसल में, 300 लीटर,
ठीक है, हम हर बार कितना लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन विड्रॉ कर रहे हैं उससे, वो हो जाएगा Q, दैट इज 60 लीटर, है कि नहीं। हमने ये प्रोसेस कितनी बार दोहराई, दैट इज 2 टाइम्स। और हमको क्या निकालना है, अभी देखो ये P पता है, Q पता है, N पता है, हमको निकालना क्या है, परसेंटेज ऑफ वाटर, सॉरी परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द टोटल मिक्सचर, तो हमको K निकालना है। ठीक है, K का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ मिक्सचर, ओरिजिनल मिक्सचर इन द टोटल ऑफ द मिक्सचर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या है, P माइनस क्यू अपॉन पी टू द पावर एन इज इक्वल्स टू के। ठीक है, चलिए P का मतलब है 300, तो 300 माइनस Q का मतलब है 60, तो 60 अपॉन P का मतलब है, ओके P का मतलब है 300, तो 300 फिर से आ जाएगा यहाँ पर 300। ओके, ये हमने प्रोसेस कितनी बार रिपीट की, 2 बार रिपीट किया, और हमको K निकालना है। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। कैसा होगा ये, 300 माइनस 60 कितना आता है, 240 आता है, 240 अपॉन कितना, 300, तो 240 अपॉन 300 आ जाएगा, उसका करेंगे हम लोग स्क्वायर इज इक्वल्स टू के। देखो यहाँ पर क्या हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, 0 0 कट हो जाएंगे, उसके बाद भी क्या बचा, 24 अपॉन 30 बचा, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 24 अपॉन 30 का पावर है 2 इज इक्वल्स टू के। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ 6 के टेबल से, तो 6 4 जा 24, 6 5 जा कितना, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। अभी देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन चेंज हो गया, 4 अपॉन 5, तो 4 अपॉन 5 हो गया फ्रैक्शन, 4 अपॉन 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू के। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा, दोनों का ही स्क्वायर करूंगा अभी मैं, ठीक है ना, अभी कोई ऑप्शन बचा नहीं है, तो स्क्वायर करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर इज 16, 5 का स्क्वायर इज 25। ठीक है, तो यहाँ पर के मतलब प्रपोर्शन क्या बचा मिल्क का टू द टोटल क्वांटिटी, अगर टोटल क्वांटिटी 25 है तो मिल्क क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या मुझे यहाँ पर रेशो पूछा था, ये जो रेशो है मिल्क टू द टोटल क्वांटिटी, नहीं, मुझे पूछा था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क आफ्टर दीज टू ऑपरेशन। ऑप्शंस हमारे पास परसेंटेज में है, तो इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूंगा। परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी फ्रैक्शन का परसेंटेज में कन्वर्जन करने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, हमको करना पड़ता है मल्टीप्लाई बाय 100, तो इस 16/25 को मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, जगह नहीं बची, मैं इस साइड में कर रहा हूँ। ठीक है, 16/25 मल्टीप्लाई बाय 100, 25 4 जा 100, 16 4 जा कितना हो जाता है, 64, तो क्या वैल्यू आएगी, परसेंटेज वैल्यू ऑफ मिल्क इन द टोटल मिक्सचर इट विल बी 64%, दैट इज ऑप्शन ए रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ए, दैट इज 64% मिल्क रहेगा इन द टोटल मिक्सचर। ठीक है, सही बात है, पता चला आप लोगों को, क्या कोई दिक्कत है, अगर किसी भी कंसेप्ट में कोई दिक्कत है तो पूछिए, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हमको क्या याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है ना, इस फॉर्मूले की मदद से आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक और इसका शॉर्टकट तरीका है, क्या मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताऊं, एक ये तो हो गया अंडरस्टैंडिंग वाला, इसका एक शॉर्टकट तरीके से भी आंसर निकल सकता है, क्या मैं उस तरीके से आपको बताऊं कि कैसे कर सकते हैं इसको, ताकि आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए देखो, पिछला वाला सवाल और ये वाला सवाल दोनों ही क्वेश्चन इस जो मैं शॉर्टकट बता रहा हूं उस मेथड से किए जा सकते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि टोटल क्वांटिटी कितना है, टोटल क्वांटिटी कितना है मिल्क का, 300 लीटर, हर बार वो कितना लीटर विड्रॉ कर रहा है, दैट इज 60 लीटर विड्रॉ कर रहा है, तो विड्रॉ का जो परसेंटेज है वो कितना है, देखो
300 का 60 कितना परसेंट है? देखो 10% हो जाएगा 30, तो 60 कितना हो जाएगा 20%। मतलब जो ये टोटल मिक्सचर है इसका हर बार हम लोग क्या कर रहे हैं, 20% विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना, 20% विड्रॉ कर रहे हैं, और जितना विड्रॉ करे उतना ही भर रहे हैं वो, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हर बार वो 20% विड्रॉ कर रहे हैं। तो हमको अगर ये बात पता लग गई कि कितना परसेंट विड्रॉ कर रहा है, ठीक है ना, टोटल सॉल्यूशन में से, तो हमको डायरेक्टली आंसर पता लग सकता है। देखो अगर हम माने, यहां पर हमको क्या पूछा है कि मिल्क का कितना रेसिड्यूअल परसेंटेज बचा इन द रिमेनिंग मिक्सचर। मान लेते हैं कि यहाँ पर हमको परसेंटेज पता लगे कि कितने से विड्रॉ कर रहा है, तो मान लेते हैं हम लोग कि 100% सॉल्यूशन रहा होगा, ठीक है ना। अपने आप में हर बार सॉल्यूशन मिल का 100%, कोई भी हो सॉल्यूशन अपने आप में 100% होता है, ठीक है। तो ये विड्रॉ करने की प्रोसेस कितना टाइम्स किया उसने, दो बार किया। तो अगर पहली बार किया होगा तो उस 100% में से कितना परसेंट बाहर निकला होगा, 100 का 20% इज 20, तो डायरेक्ट मैंने 20 लिख दिया, बचा कितना 80, ठीक है ना। उसमें वाटर मिलाएंगे लेकिन मिल्क का जो प्रपोर्शन है वो कितना बचा, 80% ही तो बचा ना, ठीक है ना। तो एक बार प्रोसेस करने के बाद ये माइनस वाली मिल्क का कितना परसेंट बचा है सॉल्यूशन में, मिक्सचर में 80% बचा है। लेकिन ऐसा एक बार नहीं किया, दो बार किया, मतलब और एक बार हमको उसका माइनस करना पड़ेगा, 20% घटाना पड़ेगा। लेकिन 20% किसका, जब मैं दूसरी बार ये प्रोसेस करूंगा और 20% ऑफ द सॉल्यूशन बाहर निकालूंगा, ठीक है ना, तो उसमें क्या है, मिल्क कितना परसेंट है, 80% ही तो बचा है ना एक बार प्रोसेस करने के बाद। तो 80% का 20% ही मिल्क बाहर निकलेगा। 80% का 20% कितना होता है बच्चों, 80% का 10% होता है 8 और 20% हो जाएगा 16। तो टोटल बचे हुए मिल्क में से 16% ही बाहर आएगा, क्योंकि उसमें जो वाटर मिक्स किया हुआ बाकी वो वाटर बाहर आएगा, ठीक है ना, दूसरी प्रोसेस में। तो 80 में से अगर 16 हम माइनस करते हैं तो कितना आता है, 80 में से 10 माइनस करो दैट इज 70, और 70 में से 6 माइनस करो दैट इज 64%। मिल्क कितना बचा After two process of withdrawing the milk and adding of water, 64% milk बचा, ठीक है, तो option आएगा 64%। Okay, ये काफी easy method है, लेकिन आपको जो book में method बताई गई है वो formula बताया हुआ है उसको भी मुझे कराना था, इसलिए मैंने आपको उस method से भी बताया, ठीक है। तो अगर आपको पता रहता है कि टोटल क्वांटिटी और उसका कितना परसेंट आप विड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर आ गया 20% हर बार विड्रॉ कर रहा हूँ मैं, तो मैं क्या मानूंगा कि मिल्क का परसेंटेज टोटल 100 मानूंगा और 20% फिर विड्रॉ करते जाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना है बच्चों, 20% आपको किसका निकालना है, जो रिमेनिंग बैलेंस ऑफ प्योर मिल्क इन द मिक्सचर रहेगा उसका। पहले स्टेप में तो, सबसे पहले स्टेप में तो सारा ही प्योर मिल्क था, तो उसका 100% का 20% इज 20% माइनस किया मैंने। उसके बाद प्योर मिल्क कितना बचा सॉल्यूशन में, मिक्सचर में 80% बचा, तो जो भी मैं अगली बार 20% माइनस करूंगा वो 80% का 20% मुझे माइनस करना पड़ेगा। 80% का 20% होता है 16, और 16 अगर मैं उस 80% में से माइनस करता हूं तो 64% बचते हैं, दैट इज प्योर मिल्क इन द रिमेनिंग सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, समझ में आया क्या, ठीक है। पिछला वाला सवाल भी इसी तरीके से कर सकते थे हम लोग, ठीक है। पिछला वाला सवाल कौन सा, वो जो 9/16 वाला था, हाँ ये वाला सवाल। यहां पर हमको ये जो टोटल टैंक है वो हमको पता नहीं था, ठीक है। अब जब वो अगर हमको पता नहीं था तो उसको हम कैसे करते, देखो इसको भी हमें आपको रिपीट करा देता हूं। 6 लीटर हर बार निकाल रहे थे, टोटल टैंक में कितना लीटर है पता नहीं था, लेकिन हमको ये जो रिमेनिंग रेशियो है ये पता था। अभी देखो ये सारी प्रोसेस करने के बाद दो बार हमने क्या किया, 6 लीटर ड्रॉ किया, 6 लीटर ड्रॉ किया टोटल टैंक में से दो बार अगर ड्रॉ किया, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। तो उसके बाद क्या बचा, डीजल इस टू केरोसिन का रेशो क्या बचा था, 9:16 बचा था।
इसका मतलब देखो बच्चों, 9:16 बचा था, मतलब डीजल जो है टोटल क्वांटिटीज में कितना बचा था, 9/25 इतना ही तो बचा था ना टोटल क्वांटिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो। टोटल मिक्सचर अगर 9 + 16 25 हो तो डीजल हो जाएगा 9। तो इसका परसेंटेज वैल्यू क्या आता है, मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो परसेंटेज वैल्यू आता है, ठीक है। 25 × 100 × 4 × 9 = 36। तो परसेंटेज वैल्यू अगर मैं देखूं तो डीजल जो बचा है वो है 36%, है कि नहीं। जब यहां पर सारा घटा जोड़ करने के बाद 36% ही प्योर डीजल बचा हुआ है इन द मिक्सचर, ठीक है, तो ऊपर क्या होगा, ऊपर तो हम लोग मानते हैं कि 100% होगा। और ये जो ये 6 है एक्चुअल लीटर्स इन क्वांटिटी, ये कितना परसेंट है मुझे पता नहीं है। तो देखो यहां पर अगर 36% बचा है तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि, हो सकता है कि ये जो 6 लीटर है वो 30% होगा, मतलब जो दो बार हमने ये प्रोसेस रिपीट की है उसमें 30% निकाला होगा हमने मिक्सचर, ठीक है। ले लेते हैं एक बार अजम्पशन की 30% होगा, तो अगर 30% होगा तो पहले 100% डीजल था, 30% अगर 30% माइनस करता हूं मैं, 100 का 30% = 30% माइनस करता हूं तो यहां पर बच जाता है 70%, है कि नहीं। अभी दूसरी बार भी हमको 30% ही माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हर बार 6 लीटर से निकाला है डीजल, तो इन द कंपैरिजन ऑफ प्योर क्वांटिटी वो 6 लीटर हमेशा ही उतना ही परसेंटेज रहेगा, ठीक है। तो एक बार अगर 30% रिड्यूस किया तो 30% ही रिड्यूस करना पड़ेगा दूसरे बार भी, क्योंकि यहाँ पर हर बार 6 लीटर क्वांटिटी रिड्यूस की गई है। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि आप लोग, तो दूसरी बार भी हमको 30% ही निकालना पड़ेगा। तो 30% अगर निकालूंगा तो वो किस चीज का निकालूंगा, इस रिमेनिंग 70% का 30%, ठीक है। तो रिमेनिंग 30% का 70% का 30% कितना आता है, 70% का 10% आएगा 7, और फिर मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो 30% आ जाएगा, दैट इज 7 × 3 = 21। अगर 70 में से 21 निकालता हूं मैं तो यहाँ पर ऑप्शन आता है, सॉरी रिमेनिंग आता है 21% निकालने पे 49%। क्या यहाँ पर 49% है, जी नहीं, यहाँ पर तो 36% है ना। इसका मतलब ये जो 6 लीटर हर बार वो निकाल रहे हैं, हर बार वो जो 6 लीटर निकाल रहे हैं वो 30% नहीं होगा, उससे ज्यादा रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि आंसर कम आ रहा है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूं कि 40% निकाला होगा। अगर 40% निकाला होगा तो 40% That is 100 का 40% 40 बचेगा, यहाँ पर रिमेनिंग बैलेंस 60%। इसका भी अगर मैं 40% निकालता हूं तो 60 का 40% कितना होता है बच्चों, 60 का 10% होता है 6, 40 के लिए मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा, 6 × 4 = 24, तो 24% होगा 40% ऑफ 60%, ठीक है। तो 60 में से 24% निकालता हूं मैं अगर, तो 60 में से 20 गए 40 और 40 में से 4 गए, दैट इज 36, एग्जैक्टली 36% ऑफ द डीजल रिमेनिंग इन द टोटल मिक्सचर आता है। इसका मतलब ये जो मैं घटा कर रहा हूं हर बार 6 लीटर, वो रहेगा 40%। अब जब अगर हमको पता है कि 6 लीटर का मतलब होता है 40%, तो पहले टैंक में कितना 100% डीजल रहा होगा, तो 40% के लिए 6 लीटर में निकाल रहा हो तो 100% के लिए कितना मिक्सचर इस टैंक में अवेलेबल होगा, ये हम निकाल सकते हैं 100 × 6 / 40, ओके इज इक्वल्स टू x हो जाएगा। देखो यहां पर कैसे कर सकते हैं, 22 = 40, 25 = 100, 2 × 3 = 6, 3 × 5 = 15, यही तो हमारा आंसर आया था, डेट इज 15 लीटर ऑफ डीजल होगा इनिशियली इन द टैंक, ओके। चलिए तो इस मेथड से भी आप कर सकते हैं, आपको बस पता होना चाहिए कि कितना परसेंटेज ऑफ हम रिड्यूस कर रहे हैं हर बार, ओके। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, अगला क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन है बच्चों, इसी मेथड से करेंगे अभी, ये जो मैंने परसेंटेज वाली मेथड पढ़ाई है आपको, ये यही क्वेश्चन करने के लिए पढ़ाई है, ठीक है। ए कैन कंटेन्स 500 ml ऑफ बियर, तो एक कैन है ठीक है ना, उसमें 500 ml ऑफ बियर भरी हुई है,
50 ml ऑफ बियर इज रिमूव्ड फ्रॉम द कैन, ठीक है, तो हर बार क्या कर रहे हैं हम लोग 50 ml बियर को रिमूव कर रहे हैं एंड रिप्लेस्ड बाय 50 ml वाटर, मतलब जितना बियर निकाल रहे उतना ही वाटर उसमें एड अप कर रहे हैं। इफ दिस ऑपरेशन इज रिपीटेड अनादर टू टाइम्स, अनादर टू टाइम्स करना है ये रिपीटेशन, मतलब एक बार तो पहले किया हुआ है, अनादर टू टाइम्स करना है, मतलब नंबर ऑफ रिपीटेशन कितने रहेंगे बच्चों, 3 times रहेंगे नंबर ऑफ रिपीटेशन, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ रिपीटेशन पता है हमको, 500 ml एक्चुअल क्वांटिटी पता है, तो P अगर मुझे उस फॉर्मूले से करना है तो भी मैं निकाल पाऊंगा। P का क्या वैल्यू है, ओरिजिनल क्वांटिटी है 500 ml, और हर बार रिपीटेशन कितना निकाल रहे हैं हम लोग, 50 ml निकाल रहे, तो 50 ml निकाल रहे हर बार, 500 ml पहले था, नंबर ऑफ रिपीटेशन 3 times कर रहे हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बियर लेफ्ट इन द कैन एट द एंड, तो अंत में ऐसे रिपीटेशन 3 बार वो प्रोसेस करने के बाद बियर की कितनी क्वांटिटी, कितना परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी बची है कैन में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, P-Q/P^n = K आएगा। सारी चीजें अवेलेबल है, फॉर्मूले की मदद से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप दूसरे मेथड से भी इसको ट्राई करें। मान लेते हैं कि बियर की क्वांटिटी इनिशियली 100% थी, हर बार हम लोग 100% ही लेते हैं, ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, हर बार जो ये 50 ml निकाल रहा है क्वांटिटी में से बियर की टोटल, वो कितना परसेंटेज है, तो 50 ml निकाल रहा है किस में से, 500 ml में से, तो 500 का कितना परसेंटेज होगा, 00 कट और 5 × 1 = 5, मतलब 10% होगा। इसका मतलब है हर बार जो वो सॉल्यूशन निकाल रहा है 50 ml टोटल क्वांटिटी में से, वो कितना परसेंटेज निकाल रहा है हर बार, 10% निकाल रहा है, ओके, ठीक है, 10% निकाल रहा है, इसका मतलब हर बार हम लोग क्या करेंगे, 10% निकाल पाएंगे इससे 100% में, तो 100 का 10% इज 10, माइनस कितना बचा यहाँ पर, 90% बचा, एक बार हो गई बच्चों प्रोसेस, ये एक बार हो गई, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार प्रोसेस करेंगे तो 90 का 10% लेना पड़ेगा, 90 का 10% आता है 9, ठीक है, तो 9% अगर 90 में से मैं माइनस करता हूं तो बचता है 81%, ये हो गए दूसरी बार हमने प्रोसेस की। कितना बार करना है हमको प्रोसेस, 3 बार करना है, एक और बार प्रोसेस करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आंसर फ्रैक्शन में आएगा। 81 का 10% कितना आता है बच्चों, 81 का 10% कितना आता है, 8.1 आता है, ठीक है ना। 10% निकालने के लिए क्या करना है, शॉर्टकट मेथड है, एक अंक के बाद पॉइंट रख देना है, जैसे मैंने 10% कैसे निकाला था, 9, 90 का जो लास्ट डिजिट है 0 उसके बाद में पॉइंट रख दिया था, वो बन गया 9, ठीक है ना। तो अगर 10% निकालना है तो वो जो यूनिटरी प्लेस है वहां से एक जगह पे एक अंक छोड़ के पॉइंट रख दो तो हमको 10% मिल जाता है। अगर हमको 1% निकालता है तो यूनिटरी प्लेस के साइड से 2 अंक के बाद आप लोग क्या करेंगे, पॉइंट रखेंगे। तो अगर मुझे 81 का 1% निकालना है तो ये 81 में 2 digit है ना, तो 2 digit के बाद पॉइंट रखना पड़ेगा, तो 0.81 रहेगा 1% 81 का, ठीक है। तो हमको निकालना था 10% जो किया था 8.1, तो 8.1 माइनस करो किसमें से, ये हो गई तीसरी प्रोसेस, ठीक है ना। तो बचा हुआ क्या था, 81% था ml ऑफ बियर, तो उसमें से क्या करेंगे, 8.1% माइनस कर देंगे। देखो 81 में से पॉइंट जो है 8.1%, उसमें से सबसे पहले 8 माइनस करो। मैं आपको माइनस करने का तरीका भी पढ़ा रहा हूँ साथ साथ में, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप अच्छा तरीका इस्तेमाल करेंगे तो आपको फिर डर नहीं लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 81 में से सबसे पहले 8 निकालो, तो 81 में से सबसे पहले 1 निकालूंगा मैं, 80 बचे, फिर 1 तो निकाल लिया, 8 निकालने थे, साथ ही निकालने, क्या बचा आपके पास, 80 में से 7 निकालेंगे, ठीक है ना। तो 80 में से अगर मैं सॉरी 7 निकालूंगा तो बचेंगे ये 73, ओके, उसमें से फिर से मुझे 0.1 निकालना है, तो ये 73 में से एक ऐसा बाहर निकालेंगे तो ये बचेंगे 72, ठीक है ना। ये इमेजिनेशन में करना है आप लोगों को, ऐसे करके नहीं देखना है, तो ये बचे 72 और फिर 1 में से 0.1 माइनस करना है, तो 1 में से अगर 0.1 माइनस करते हैं तो 0.9 बचते हैं,
ठीक है ना। तो 12 और प्लस 0.9 होते हैं, सॉरी 72 और 0 प्लस 9 होते हैं 72.9। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे भी कैलकुलेशन करेंगे पॉइंट वाइज तो भी 72.9% ही आएगा। तो बियर की कितनी परसेंटेज मात्रा बची है ये तीन ऑपरेशन करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद 72.9, दैट इज ऑप्शन सी रहेगा हमारा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। अगर आप इस फॉर्मूला वाली मेथड से भी करेंगे तो भी 72.9 ही आने वाला है, वो भी मैं करके दिखाता हूँ आपको। इस मेथड से भी करना है, क्या मानेंगे, सबसे पहले 100 मानेंगे और पता करना है कि हर बार जो हम लोग क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर या फिर लिक्विड निकाल रहे हैं वो कितना प्रतिशत है। तो टोटल क्वांटिटी 500 है, 50 निकाल, इसका मतलब 10% हर बार निकाल रहे हैं वो लोग, है कि नहीं। तो 10% हर बार निकाल रहे, वही 10% वाली मेथड क्या करेंगे हम लोग, तीन बार रिपीट करेंगे। आंसर आ गया 72.9, उतना ही परसेंटेज रहेगा। चलिए, तो ये तो हो गया एक मेथड, ये फॉर्मूला वाला मेथड से भी 72.9 आता है क्या, देख लेते हैं, ठीक है ना। मैंने जो आपको मेथड पढ़ाई है अल्टरनेट वाली, वो गलत नहीं है, ये हम अभी प्रूव करेंगे। आप लोग भी साथ साथ में कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है ना, साथ साथ में आप भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, आप भी कैलकुलेशन कीजिए अगर आपको लगता है तो। चलो, ये फॉर्मूला वाली मेथड में हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या आता है, प्रपोर्शन आता है, परसेंटेज वैल्यू डायरेक्टली नहीं आते, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी है यहाँ पर 500 माइनस करेंगे 50, टोटल है 500, रिपीट करना है प्रोसेस को 3 times, निकल आएगा रेशो, ठीक है। चलो, यहाँ पर क्या बचे, 500 में से 50 गए तो 450 बचे अपॉन 500 to the power 3 इज इक्वल टू के। अभी देखो 0 0 कट गया, इसको 45 और 50 को भी मैं फिर से रिड्यूस कर सकता हूँ। देखो 5 9 45 and 5 10 50 आ गया, रिड्यूस हो गया वो फ्रैक्शन, तो 9 by 10 to the power 3 इज इक्वल टू के आएगा। अभी देखो, अभी रिड्यूस नहीं कर सकते, अभी हमको क्यू भी निकालना पड़ेगा सीधे। तो क्या हो जाएगा, ये देखो 9 multiply by 9 multiply by 9 हो गया क्यूब 9 का, और 10 multiply by 10 multiply by 10 हो गया क्यूब किसका, 10 का, ओके ठीक है। तो के आ गई ये वैल्यू, 9 का क्यूब आता है 729। मैंने आपको 20 तक क्यूब याद करने के लिए बोला था, पता नहीं आपने किए या नहीं किए, मुझे पता नहीं, ठीक है ना। 1 से लेकर 20 तक क्यूब करना था, 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद करना था, और 1 से लेकर 20 तक टेबल याद करने थे। तो टेबल, क्यूब और स्क्वायर याद करने थे आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा, और रन नहीं किए तो फिर मल्टीप्लाई करते रहो। 9 multiply by 9 is 81 और 81 multiply by 9 is 9 9 9 8 72, ऐसा करना पड़ता आपको। तो यहाँ पर 9 का क्यूब आ गया 729, 10 का क्यूब है 1000, ये तो इजी है, इज इक्वल टू के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये जो रेशो आया ठीक है ना, जो रिमेनिंग जो सॉल्यूशन रहेगा उसमें बियर और टोटल का रेशो क्या रहेगा, अगर टोटल क्वांटिटी 1000 है तो बियर की उसमें प्रोपोर्शन रहेगी 729। लेकिन हमको क्या रेशो निकालना था, नहीं, हमको तो परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। तो परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए किसी भी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए, परसेंटेज वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो 729 upon 1000 को अगर मैं परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आता है, 2 0 2 0 कट जाते हैं, 1 0 बचा, मतलब 729 upon 10 कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 होता है। तो आंसर में क्या आता है, ऊपर में ये जो यूनिट साइड है उससे एक डिजिट के बाद पॉइंट रखना होता है, दैट इज 72.9%। सेम आंसर आया है किसी भी मेथड से करो तो। ओके, गॉट इट, समझ में आया, समझ लगा है, ओके ठीक है। चलो,
सम्यक और वंदना जी, आपको समझ में आया क्या? ठीक है, सब खिलाड़ी आउट हो गए, आप दो ही बचे हुए हैं। ठीक है, सब खिलाड़ी आउट हो गए, आप दो ही बचे हैं, तो आपको समझ में आया कि नहीं आया बताइए। समझ में आ गया, ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगी वंदना जी। हाँ समझ लो, वेरी गुड सम्यक। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन का लास्ट लेक्चर है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है बचे हुए उसको, मुझे एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है बच्चों, तो एक क्वेश्चन बचा हुआ है तो इसको मैं सॉल्व कर दूं क्या? एक क्वेश्चन बचा है, इजी वाला है, सॉल्व कर देता हूं मैं। ठीक है, वैसे आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ठीक है मैं सॉल्व कर देता हूं। मिल्क एंड वाटर आर मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 5:4। तो मिल्क एंड वाटर का एक सॉल्यूशन है, ठीक है ना, मान लेते हैं कि ये बर्तन है और उसमें मिल्क और वाटर है। किस रेशियो में है? मिल्क इज टू वाटर, किस रेशियो में? 5:4, 5:4 रेशियो में है मिल्क इज टू वाटर। बाय एडिंग 5 लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? 5 लीटर इस टोटल वाटर सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हैं। बाय एडिंग 5 लीटर्स ऑफ वाटर द वेसल बिकम फुल। तो अगर इस सॉल्यूशन में, इस 5:4 है मिल्क इज टू वाटर में, इस बीकर में अगर हम 5 लीटर, 5 लीटर जो है, 5 लीटर अगर सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्यूशन नहीं, 5 लीटर ऑफ वाटर ऐड करते हैं, तो क्या बन जाता है? 5 लीटर वाटर ऐड कर दिया, ठीक है ना, वो रेशियो में तो चेंज आएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ ये जो बीकर है, ये जो वेसल है, बर्तन है, ये हो जाएगा फुल, पूरा भर जाएगा। ठीक है, ओके। एंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर चेंजेस टू 4:5। तो 5 लीटर वाटर ऐड करने के बाद दो चीजें यहां पर घटेगी, कौन सी दो चीजें घटेगी? एक तो ये बर्तन फुल हो जाएगा, दूसरा तो ये रेशियो चेंज हो जाएगा, मिल्क इज टू वाटर अभी रेशियो बन जाएगा 4:5। ठीक है, चलिए, अगर पहले रेशियो था 5:4, तो एक्चुअल क्वांटिटीज क्या रही होगी? मिल्क इज टू वाटर अगर रेशियो है कितना, 5:4, तो एक्चुअल क्वांटिटी में मान सकता हूं कि 5x और 4x रही होगी, ठीक है कि नहीं? ओके, तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मिल्क होगा 5x और वाटर होगा 4x। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या किया, 5 लीटर वाटर ऐड किया, तो वाटर होता है यहां पर 4x था वाटर, उसमें 5 लीटर ऑफ वाटर ऐड कर दिया, तो रेशियो क्या बन जाता है? रेशियो चेंज हो जाता है 4:5 में। ओके, तो रेशियो बन जाता है 4:5 के, इसमें रेशियो चेंज हो जाता है। ओके, तो बन गया हमारा ये इक्वेशन, देखो 5 upon 5x upon 4x + 5 = 4/5। इसकी मदद से हम लोग x की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5x विल बी 25x = 4 × 4x = 16x + 4 × 5 = 20। ठीक है, x वाली चीजें एक साइड में करेंगे और नंबर एक साइड में, तो 25 को यहाँ पे 16 माइनस में चला जाएगा, तो 25x - 16x = 20। 25 में से 16 निकालेंगे तो आते हैं 9x = यहाँ पर आते हैं 20। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? 20/9। तो x की वैल्यू मुझे पता लग गई, दैट इज 20/9। लेकिन हमें पूछा क्या है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द वेसल, मुझे पूछा है कैपेसिटी ऑफ द वेसल। अभी ध्यान दो बच्चों, ठीक है ना, जितने भी बच्चे बचे हुए हैं सब लोग ध्यान दो। सबसे पहले जो हमारा सॉल्यूशन था वो किस रेशियो में था? 5:4 के रेशियो में था। इसका मतलब 5x अगर मिल्क है तो 4x हो जाता वाटर। इन टोटल सॉल्यूशन को मैं अगर पता करूं तो ये हो जाता है 5x + 4x मतलब 9x।
पहले टोटल सॉल्यूशन बीकर में क्या था, 9x। अभी मुझे x की वैल्यू पता है तो मैं 9x को रखकर 9 मल्टीप्लाई बाय कितना है x की वैल्यू, 20/9। ठीक है, 9 9 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आया 20 लीटर। तो 20 लीटर था पहले सॉल्यूशन, ठीक है, जो 5:4 के इसमें डिवाइडेड था। ओके, क्या ये हो जाएगी क्वांटिटी, ठीक है ना, बीकर की टोटल कैपेसिटी ये हो जाएगी? नहीं बच्चों। क्या बीकर पहले फुल था? नहीं, उसके बाद में ये जो 20 लीटर टोटल सॉल्यूशन था मिल्क और वाटर का, उसके बाद में हमने 5 लीटर वाटर, ठीक है ना, 5 लीटर वाटर और ऐड कर दिया, तब जाके वो बीकर फुल भर गया, है कि नहीं? यहाँ पर लिखा हुआ है ना, मिल्क एंड वाटर आर मिक्स्ड इन द रेशियो ऑफ 5:4 इन द वेसल, बाय एडिंग 5 लीटर्स ऑफ वाटर द वेसल बिकम फुल। अभी देखो कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, कि वो कितना पानी, कितना लिक्विड, कितना मिल्क उसमें भर सकते हैं, ठीक है ना। तो 5 लीटर ऐड करने के बाद वो वेसल फुल हुआ था, इसका मतलब उसकी कैपेसिटी क्या होगी, पहले जो था, पहले कितना था, 9x वैल्यू थी ना पहले, जो कि 20/9 करके मैंने निकाल लिया कि 20 लीटर था, मिल्क और वाटर मिक्सअप था बीकर में 20 लीटर। लेकिन क्या उसकी वो कैपेसिटी होगी? नहीं, 5 लीटर और पानी ऐड करने के बाद उसकी जो वो बीकर है वो फुल हुआ था, उसके बाद वो बीकर फुल हुआ था, इसलिए होगा वो 5 लीटर ऐड करने के बाद जो क्वांटिटी बनेगी वो रहेगी हमारी किसके बीकर का टोटल कैपेसिटी। तो 20+5 दैट इज 25 लीटर रहेगा हमारा बीकर का एक्चुअल कैपेसिटी। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, आप जुड़े रहे, और अगर कोई भी दिक्कत है आपको तो आप डाउट पूछ सकते हैं अभी। अगर कोई डाउट है तो पूछिए, अगर डाउट नहीं है तो लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म कर देंगे। ओके, तो इसी के साथ हमारा जो ये मिक्सचर एंड एलिगेशन चैप्टर है ये हो गया खत्म। अगर कोई भी डाउट आते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं अगले लेक्चर्स में, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू, और मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर्स में, ठीक है ना। आज ही के साथ मिक्सचर और एलिगेशन चैप्टर खत्म होता है, उसके 4 लेक्चर्स होंगे आज के लेक्चर के साथ, ठीक है। तो वो आपको यूट्यूब और वेबसाइट पर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, एंड बाय बाय, एंड जय भीम, ठीक है, बाय।